और दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। वाकई में इतना गजब का दृश्य था, ऐसा दृश्य कहीं देखा नहीं, इतनी सफाई, सारी चीजें। तमाम गोरे गोरे लोग घूम रहे थे वहां पर, ऐसा लग रहा था इनको कपड़े बांटे जाएं, बेचारों के पास में कपड़े नहीं है। हम सोचते थे भारत ही में अकेले गरीब होते हैं, इन लोगों के पास में, यहां बहनों के पास कपड़े नहीं होते कभी कभी, पर लगा कि इनको तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है कपड़ों की। आधे नीचे से वस्त्रहीन, आधे ऊपर से। दुशासन, द्रौपदी का चिरहरण तो दुशासन ने किया था और एक एक को छोड़ा नहीं था पांडवों ने। आज की जो बहनें छोटे कपड़ों में रहती, इनका चिरहरण किसने किया है बोलो? सोचने की बात है। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो? दुर्गा सप्तशती में बताया है कुलजन प्रहवश्य लज्जा, यह श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कुल धियाम हृदय सुबुद्धि पापात्म और श्रद्धा सताम कुलजन प्रहवश्य लज्जा ताम ताम नतास्मि परिपालय देवी विश्व। रूप अलग अलग हैं। इसमें यह कहा गया है कि अच्छे श्री संपन्न मर्यादित परिवार की बेटियों में ये दुर्गा लज्जा बन करके रहती है। जिन माताओं के पास में लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, वो कितने भी आभूषण पहन लें निर्लज्ज हैं। ध्यान रखना, लज्जा नारी का आभूषण है। मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में सुंदर कांड में हनुमान जी रावण से कहते हैं, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सोहे सुरारी, और सब भूषण भूषित वरनारी। कितने भी अरबों खरबों के तुम आभूषण पूरे शरीर पर लाद लो कोई स्त्री, लेकिन अगर वस्त्र ना पहने तो निर्लज्ज कहलाती है। उसी तरह से अपनी मर्यादा अपने खुद बना करके चलो, धर्मवान होकर के चलो, आचरणवान होकर के चलो। यही तो कथा हमें शिक्षा देती है। अगर लज्जा नहीं है तो दुर्गा जी आपके ऊपर कभी नहीं आ सकती। इसलिए कुलजन प्रभवश्य लज्जा, लज्जा नारी का आभूषण है।